नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल, बता दें आपको, खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, 13 घंटों में ही हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, सरकार के आश्वासन पर पेट्रोल पंपों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और पेट्रोलियम कंपनियों से भी बात हुई है। बता दें आपको ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर प्रदेश से जुड़ी हुई। कल सुबह 6 बजे तक खत्म होनी थी हड़ताल, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से हड़ताल को वापस ले लिया गया है। तो बड़ी खबर, 13 घंटे में ही खत्म हुई हड़ताल। तो बता दें आपको, पेट्रोल पंप हड़ताल पर थे 24 घंटे की, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद 13 घंटों में ही हड़ताल को खत्म कर दिया गया है और पेट्रोलियम कंपनियों से भी हुई है बात। तो बड़ी खबर, कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल खत्म होनी थी, लेकिन उसे सरकार के आश्वासन के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने खत्म कर दिया है। अभी 13 घंटे में ही हड़ताल खत्म हो गई है। बता दें आपको, 15 नवंबर को हड़ताल बुलाई गई थी और प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर इसका साफ तौर पर असर भी देखा जा रहा था। हालांकि अब सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल को वापस ले लिया है, जो कल सुबह 6 बजे तक जारी रहने वाली थी। पेट्रोल पंप संचालकों की तरफ से हड़ताल खत्म कर दी गई है। बड़ी जानकारी हरियाणा से जुड़ी हुई। बता दें आपको, अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे पेट्रोल पंप संचालक। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद समय से पहले ही हड़ताल को पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से वापस ले लिया गया है। और हरप्रीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। हरप्रीत, 24 घंटे के लिए हड़ताल बुलाई गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल को पहले ही खत्म कर दिया है। क्या कुछ आश्वासन सरकार की ओर से मिला? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम हड़ताल से 24 घंटे के लिए कॉल की गई थी तो आज सुबह 6 बजे थी, लेकिन लोगों की जो परेशानी थी उसको ध्यान में रखते हुए जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने एक मीटिंग जो है जो मीटिंग बुलाई थी पेट्रोल पंप डीलर की, और उसमें आश्वासन ये दिया गया है कि जल्द ही इन सभी जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उनकी मांग जो है उस पर गौर जरूर की जाएगी, उस पर सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है, क्या इनकी सहमति बनती है या नहीं बनती, वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार आश्वासन के बावजूद भी नहीं मानती, सरकार के अधिकारी नहीं मानते, तो अगली बार हड़ताल जो है वो 48 या फिर 72 घंटे की होगी। लेकिन अंबाला में फिलहाल अगर हम बात करें तो हड़ताल पूरी तरह से खोल दी गई है, हड़ताल को वापस ले लिया गया है और लोगों को बड़ी राहत जरूर मिली है। हरप्रीत, 15 दिनों का आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, इस आश्वासन के बाद क्या कुछ कहना है पेट्रोल पंप संचालकों का, क्या कुछ मांगे हैं उनकी तरफ से जो उठाई जा रही थी जिसको लेकर ये हड़ताल आज बुलाई गई थी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मांगों की बात करें तो सबसे पहले मांग जो है वो इनकी तरफ से जो उठाई जा रही है कि जो नकली डीजल, ये आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि मार्केट में इन दिनों नकली डीजल जो है वो उसका काफी चलन हो रहा है, उसको बंद करवाया जाए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो वैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कम किया था जनता को राहत दिलवाने के लिए, उसकी वजह से काफी नुकसान जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका हुआ है, और 2016 के बाद से अब तक कमीशन जो है वो भी नहीं बढ़ाया गया है। तो ये कुछ मोटी मोटी मांगे हैं जिनको लेकर आज हड़ताल बुलाई गई थी, और लगभग 15 दिन का वक्त सरकार ने मांगा है। 15 दिन में दिल्ली मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद मीटिंग में क्या कुछ फैसले होते हैं उस पर अगला कदम डिपेंड करेगा पेट्रोलियम। बिल्कुल हरप्रीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल को वापस ले लिया है।